खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, मैं तेजवीर सिंह आप तक स्पोर्ट्स न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इंडिया की टीम को अपने आप की पूर्ण रूप से काउंसलिंग करने की जरूरत है, ध्यान से देखने की जरूरत है कि उसने कहां कहां कमी नहीं की है, जब से ऑस्ट्रेलिया के साथ खत्म हो गया, हर तरीके से मुंह की खाई है। आज सभी ने महेंद्र सिंह धोनी को याद किया, आज उनकी कप्तानी को याद किया, क्योंकि वो जिस तरीके से कप्तानी करते थे तो सबको आज महेंद्र सिंह धोनी याद आ रहे थे। आज एक दूसरे खिलाड़ी को भी याद किया गया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ पंत की। आज ऋषभ पंत को भी सबने मिस किया कि अगर शायद ऋषभ पंत आज इस टीम में होते तो कुछ ही नजारा अलग होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके की ऋषभ पंत बैटिंग करते आए हैं उसको सभी को आंकड़े उनके पता हैं। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, वैसे आप सब जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इतना शेयर करें कि ये बात सभी तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज रोहित शर्मा पूरी रात शायद सो नहीं पाएंगे, वो ये चीज देखेंगे कि जो उम्मीद WTC फाइनल जीतने के लिए वो गए थे, वो उन्होंने सारी उम्मीद अपनी IPL में ही गवा दी थी। आज भारत की तरफ से भी कल के अवजित बल्लेबाज विराट कोहली और आदित्य रहाणे पर सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो सारी उम्मीदें उस समय फेल हो गई जब विराट कोहली पवेलियन वापस लौट गए, और उसके कुछ देर बाद ही अजिंक्य रहाणे भी चलते बने। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अर्धशतक भी पूरे न कर सके, और वहीं से भारत ने अपनी सारी उम्मीदें खत्म कर दी। सबको लगने लग गया था कि अब WTC का फाइनल उसके हाथ से निकल गया है, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि पहली पारी में अच्छा खेलने वाले रविंद्र जडेजा, अपनी फील्डिंग के लिए जाने जाने वाले रविंद्र जडेजा भी बहुत कुछ अच्छा न कर सके, और जीरो के स्कोर पर ही आउट ऑफ पवेलियन वापस लौट गए। यानी दोनों खिलाड़ियों ने, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने, पहली पारी में जो बैटिंग का नजारा पेश किया था, सबको यही उम्मीद थी कि इस मैच में भी वो ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों ने उनको किसी भी तरीके से चलने न दिया, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इंडिया टीम से उम्दा प्रदर्शन किया हो। चाहे पहली पारी में उसके 469 रनों की पारी रही हो, चाहे दूसरी पारी में उनकी बॉलिंग रही हो, इंडिया से हर क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बीसी पड़ी। आज इंडिया की टीम कहीं भी किसी मौके पर ऐसी नहीं लगी कि वो इस मैच में कहीं भी टक्कर दे सकती है, और उसका अंत भी वैसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने WTC का फाइनल जीतकर अपने देश का गौरव बढ़ाया है, और वहीं इंडिया की टीम ने अपने देश का गौरव गिराया है, क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूं कि इंडियन टीम जिस तरीके से IPL में व्यस्त थी, तब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी WTC के फाइनल की पूर्ण रूप से तैयारी कर रही थी, और आज उसी का खामियाजा पूरा इंडिया की टीम को भुगतना पड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके यह टेस्ट मैच जीत लिया और ट्रॉफी को अपने नाम किया है। तो दोस्तों, ये थी आज के मैच की पूरी जानकारी। कल मैं इसकी डिटेल्स जानकारी, एक एक पॉइंट्स पर जानकारी, हर पारी की जानकारी मैं कल आपको अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।